नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लीगल सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बिल बुक कैसे बनवानी है। तो चलिए बिल बुक की जो डिजाइनिंग है उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप एक बिल बुक देख रहे हैं जो कि भवा प्रेमी लीगल सर्विसेज की है। इस तरीके से ये आगे पीछे का इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरिंग भी है इसमें, एक से लेकर के यहाँ लास्ट में भी देखेंगे 100 तक। एक से लेकर के 100 तक है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं 200, क्योंकि इसमें एक के पीछे एक रफ यानी कि कच्चा पेपर भी लगा हुआ है। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक पक्का पेपर जो ओरिजिनल रहेगी वो कलर्ड रहेगी उस पर एक नंबर डला है और इसी के जस्ट पीछे एक कच्चा पेपर यानी कि रफ पेपर लगा हुआ है जो कि आपके रिकॉर्ड के लिए है। जब आप इसमें बीच में कार्बन पेपर लगा करके इसमें ऊपर जो भी लिखेंगे, जो भी आप इसमें एंट्रीज करेंगे, साइन करेंगे, उसका एक रिकॉर्ड आपके पास भी रहेगा। और जो ओरिजिनल वाली है उसको आप काट करके या फाड़ करके आप जो भी क्लाइंट है उसको देंगे। तो इसमें क्या क्या रहता है पॉइंट्स देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें ऊपर जो आपने देखा होगा ये पेमेंट के लिए है और ये रहा भारत पे का QR कोड। इसमें आपका सबसे ऊपर लीगल सर्विसेज का जो भी नाम है वो आप रख सकते हैं। ये नाम आपका कंपलसरी रहता है जब आप इसको ऑर्डर करेंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो जो आपका भारत पे का मर्चेंट आईडी है वहाँ से आप जाकर के इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें फ़ोन नंबर और एड्रेस अपना इसमें देंगे तो ये आपके बाई पोस्ट घर पर आ जाएगा। और इसमें सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप इसको किसी के साथ भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, किसी के साथ ओपन कर सकते हैं। इसमें आपकी पेमेंट कहीं पर भी गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं रहती है। इससे इस वाले QR कोड से आप केवल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इससे आपकी पेमेंट बाहर जाने का कोई भी चांस नहीं होता है, ना ही कोई पेमेंट लीकेज वगैरह। इसमें सिक्योरिटी रीजन से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर अगर बिल बुक के ऊपर लगाते हैं तो ये सुविधा ये होती है कि यदि आप ऑनलाइन पेमेंट किसी से लेते हैं तो आपको QR कोड वगैरह ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर सिंपली आपके पास बगल में बिल बुक रखी होती है, वहाँ से आप इसको स्कैन करवा करके कस्टमर से सीधा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर आपका लोगो जो ऑफिशियल है वो आपका लोगो हो सकता है, जो कि मेरा सभी चीज़ों में एक जैसा ही रहता है। जो भगवा प्रेमी ग्रुप है उसका ये ऑफिशियल लोगो है और यहाँ पर भगवा प्रेमी लीगल सर्विसेज, जो भी आपकी लीगल सर्विसेज हैं उसका नाम आप सबसे पहले हेडिंग के रूप में उसमें देंगे। उसमें एड्रेस रहेगा जहाँ पर भी आपकी ये ऑफिस है वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं, या फिर रेजिडेंस या फिर जो आपके सब ऑफिस हैं वहाँ का भी एड्रेस आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो एड्रेस होता है वो कंपलसरी होता है। इसके बाद आप इसमें अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं, यदि वेबसाइट है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन एड्रेस और नाम मैंडेटरी है। इसके बाद आप अपने यूट्यूब का चैनल है तो उसका भी एड्रेस दे सकते हैं, ट्विटर का दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं और इंस्टाग्राम भी दे सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जुड़ना चाहें तो सोशल मीडिया की कई सारी लिंक्स भी आप इसमें दे सकते हैं। लिंक हम नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट उसको किसी तरीके से क्लिक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो डिजिटल नहीं फिजिकल होता है। तो इसमें ईमेल आप कंपलसरी मान सकते हैं क्योंकि ईमेल से कोई भी कस्टमर आपसे डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेज करके काम करवा सकता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कहें या फिर जो आपसे संपर्क करने के लायक हो वो नंबर आप इसमें दे दीजिए। इसके बाद आप एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे दीजिए। यहाँ पर डेट कंपलसरी रहेगी, डेट में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं रहेगा। नंबर एक ऑथेंटिसिटी को
शो करता है कि आप जो भी चीज दे रहे हैं वो ऑथराइज है और किसी भी तरीके का उसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। इसके बाद इसमें ऊपर की साइड यहाँ पर या फिर कहीं पर भी यदि आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी आईएन जिसको हम बोलते हैं वो भी आप इसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट करवा सकते हैं। तो जीएसटी नंबर यदि आपके पास नहीं है तो आप इसी तरीके का जो आप बिल है उसको दे सकते हैं। जो इस तरीके के बिल होते हैं उनको हम कच्चे बिल बोलते हैं, इसको हम पक्का बिल नहीं बोलते हैं। और जो कंप्यूटराइज बिल होते हैं, जो ऑनलाइन आप उसको बनाते हैं, वो जो बिल होते हैं वो पक्के बिल कहलाते हैं। इसके बाद नेम, नेम में आपको कस्टमर का नाम डालना है या क्लाइंट का नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है या पर उसका एड्रेस डालना है। एड्रेस के लिए इतनी ही जगह काफ़ी है जितनी जगह मैंने दी है, उसी तरीके से आप भी जगह दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह देने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद आप मोड ऑफ ट्रांसफ़र या फिर मोड ऑफ ट्रांजेक्शन इसमें ले सक आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, जो कि कैश हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, पेटीएम, भीम, गूगल पे, फोन पे या अदर। तो उसमें ज़्यादातर लोग कैश ही देंगे, क्योंकि अगर बिल कोई ले रहा है तो उसका जो कैश अगर दे रहा है तो उसका बिल इसी तरीके का रहता है। और बाकी जो नेट बैंकिंग या पेटीएम वगैरह जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें बिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो रिसिप्ट होती है, जो सेंड अमाउंट होती है, उसका जो पेटीएम वगैरह है वो ईमेल पर भी सेंड कर देता है। और कई जो मनी ट्रांसफ़र वाले जो मर्चेंट होते हैं वो आपके ईमेल पर भी उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड सेंड कर देते हैं, और साथ ही साथ आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी आपका पूरा उसका रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितना पेमेंट किया है, किस शॉप पर किया है। और एक बात और कि जो आपकी लीगल सर्विसेज है इसको आप एज अ मर्चेंट भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो भी इनमें से कोई भी कंपनी यदि आपको अच्छी लगती है तो उसमें आप एज अ मर्चेंट अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लीगल सर्विसेज का भी उसमें ऑप्शन रहता है, तो एज अ शॉप भी आप इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आप इसी तरीके से उसको चलाइए तो उसमें काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसके बाद सीरियल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन या आइटम्स में जो भी आप सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड कराएंगे वो आप देंगे, जैसे कि इसमें सर्विस चार्ज रहेगा आपका और एडवोकेट्स फी। जैसे कि लीगल सर्विसेज है तो उसमें कई बार क्या होता है कि अलग अलग फील्ड के कई एडवोकेट्स से परामर्श या सलाह मशवरा लेना पड़ता है, तो उनकी जो फीस है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। और इसमें क्वांटिटी में अगर बात करें तो जितने भी एडवोकेट्स से आप इसमें सलाह मशवरा करेंगे उनका नंबर डालेंगे, दो से करी तो दो, एक से करी तो एक, फिर उनका सभी दोनों का मिला करके जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे, सॉरी इसमें रेट लिखेंगे आप। क्वांटिटी में यहाँ पर आप जैसे दो लिख रहे हैं तो एक का कितना था वो यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद उनका कितना हुआ टोटल अमाउंट वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद जो मेल है या व्हाट्सएप प्रिंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ईमेल से या व्हाट्सएप पर जो इमेजेस थी या जो भी डॉक्यूमेंट थे उनका जो प्रिंट आउट निकला है वो कितनी क्वांटिटी में निकाला है, उसका क्या प्राइस था और उसका टोटल कितना हुआ है। इसके बाद फोटोकॉपीज यदि आप करके देते हैं तो उसका भी नंबर यहाँ पर रहेगा, पर फोटोकॉपी का कितना चार्ज था और टोटल आपका कितना हुआ। ये तीनों कॉलम आपको समझ में आ रहे होंगे। लेमिनेशन का कॉस्ट भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, डिलीवरी चार्ज आप दे सकते हैं। डिलीवरी चार्ज यदि आप एक साथ में भेज रहे हैं तो वो आपके ग्राम या जो वेट होता है उसके हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट इसमें होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो ग्राम के हिसाब से पैसा लिया जाता है डिलीवरी का, या फिर कुछ प्राइवेट कुरियर कंपनी से भी आप कंसल्ट करके ये चार्ज फिक्स कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मेल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, उसका जो चार्ज लगता है, जैसे आप सरकारी डाक से भेजते हैं या कुरियर से भेजते हैं तो वो कंपनी भी एक अमाउंट लेती है, वो अमाउंट आप इसमें डिस्क्लोज कर सकते हैं। अदर्स में यदि कोई आपकी पर्सनल फीस है या फिर जो भी एक्स्ट्रा आपका खर्चा हुआ है वो आप इसमें दे सकते हैं, और इसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में कि इस चीज़ में इतना खर्चा हुआ है, इतने क्वांटिटी में हुआ है, इतना उसका रेट था। तो ये सारी चीज़ें इसकी, इन सारी चीज़ों के टोटल यहाँ रहेंगे, और ये सभी मिला करके जो
ग्रांड टोटल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और जितनी यहाँ पर अमाउंट अंकों में लिखी जाएगी यानी कि नंबर्स में, वो है यहाँ पर वर्ड्स में यानी कि शब्दों में लिखी जाएगी। और साथ में आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी डालना मत भूलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी होता है। ऑल डीलिंग्स आर सब्जेक्ट टू आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड जहाँ पर भी आपकी वहाँ का आप यहाँ पर डालेंगे, ज्यूरिसडिक्शन ओनली। मेरा झांसी कोड लगता है इसलिए मैं यहाँ पर झांसी ज्यूरिसडिक्शन ओनली लिखा हुआ हूँ। इसके बाद आप इसमें सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, डू नॉट सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदरवाइज इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट टू लॉस। यहाँ पर ये लाइन काफ़ी जरूरी होती है लीगल सर्विसेज के लिए, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देता है कि आप इसकी फोटो कॉपी करा के दीजिए या फिर इसका अदर डॉक्यूमेंट बनने हैं, तो हम आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देते हैं, और बाद में यदि वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी यदि आप इसमें ये पॉइंट नहीं डालते हैं। तो पहली बात, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेने किसी भी काम के लिए, अगर लेते भी हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबल आप क्लाइंट को ही बनाइए, ना कि स्वयं बनिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट में ये वाला डाल दीजिए, इसका मतलब होता है भूल चूक लेनी देनी इस तरीके का। और यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर अगर कोई चीज और पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो जगह के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें जगह कम भी कर सकते हैं, ये लाइन थोड़ी ऊपर ले करके ये टर्म्स एंड कंडीशन को आप बढ़ा भी सकते हैं। सिग्नेचर में जो भी लीगल सर्विसेज आप चला रहे हैं उसका जो ओनर है उनके साइन होंगे, यहाँ पर मोहर भी लगेगी लीगल सर्विसेज की, तो आप इसमें लीगल सर्विसेज को गोल मोहर बनवा करके उसमें बीच में पेड का लिख करके भी इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप आपकी जो लीगल सर्विसेज है उसका नाम नीचे, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आप डालना चाहें तो वो मोहर बनवा करके यहाँ वो सील लगा सकते हैं, और पेड की मोहर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें ये सबसे पीछे कार्बन पेपर भी आप इस तरीके से रख लीजिए, ताकि आप जब उसको यूज करें किसी को भी ये काट करके दें तो ये कच्चा पेपर और पक्का पेपर दोनों के बीच में आप इसको लगाएं। साथ ही साथ इसमें जो बना करके वो देता है तो यहाँ पर वो ऊपर की साइड छेद भी कर देता है, जो पक्के जो वाला ये फेयर पेपर होता है उस पर छेद रहते हैं और नीचे वाले पर नहीं रहते हैं, नीचे वाले पर छेद नहीं रहते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड में आपके रहेगा। तो इस तरीके से फिर आप इसको पेपर रखेंगे कार्बन पेपर, और यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ भी तो ये नीचे वाले पेपर पर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक लीगल सर्विसेज स्टार्ट करने से पहले आप किस तरीके के बिल बुक बनवाएं। इस तरीके से आप लीगल सर्विसेज नहीं, अन्य चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी एडवोकेट्स हैं वो यदि लीगल सर्विसेज स्टार्ट करना चाहें तो इसी तरीके से वो लीगल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे काम करवा सकते हैं। यदि कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।